आगरा में खेरागढ़ में प्रसूता की मौत पर जागा स्वास्थ्य विभाग, अवैध डिलीवरी सेंटर को किया सील। ताज नगरी आगरा के कस्बा खेरागढ़ में चल रहे अवैध डिलीवरी सेंटर में सोमवार को एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद उस प्रसूता की जान चली गई, जिस पर अब स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा। मंगलवार को खेरागढ़ सीएचसी की टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ लेकर पहुंच गई और पुलिस मंगलवार को खेरागढ़ सीएचसी की टीम स्थानीय पुलिस बल को साथ लेकर पहुंच गई और बिल्डिंग के 3 कमरों को सील कर दिया। मंगलवार को खेरागढ़ सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मुकेश चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थानीय पुलिस बल के साथ बाईपास मार्ग पर अवैध रूप से चल रहे अस्पताल की बिल्डिंग में पहुंच गई। मौके पर बिल्डिंग में चल रहे अस्पताल के कमरों में कोई नहीं था, जिस पर टीम ने 3 कमरों पर ताला लगाकर उन्हें सील कर दिया। वहीं बिल्डिंग के बाकी के कमरों को किराए पर लेकर 1-2 परिवार रह रहे थे, जिस पर टीम ने उन्हें 1 सप्ताह से पहले कमरा खाली करने के लिए कह दिया। आपको बता दें कि खैरागढ़ कस्बे के बाईपास मार्ग पर चल रहे अवैध डिलीवरी सेंटर में सोमवार सुबह चीत निवासी 22 वर्षीय रेनू पत्नी रूप किशोर ने बच्चे को जन्म देकर दम तोड़ दिया। पीड़ित परिजनों ने सोमवार दोपहर को डिलीवरी सेंटर पर आकर संचालिका डॉली चाहर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन वो अपने स्टाफ के साथ मौके से फरार हो गई, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ितों को समझा बुझाकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले से सीएमओ आगरा के लिए पत्र भेजकर अवगत कराया। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मुकेश चौधरी ने बताया कि अभी 3 कमरों को सील कर दिया गया है, बाकी के कमरों को किराएदारों से खाली करने के लिए कह दिया है। 1 सप्ताह के अंदर खाली करके पूरी बिल्डिंग को सील करके मैन से ताले लगाकर आगे की कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। कस्बे की और आसपास के गांवों में जगह जगह पर बैठे मौत के सौदागर, इन पर कब होगी कार्यवाही? खेरागढ़ कस्बे समेत समूचे देहात क्षेत्र में जगह जगह घर और दुकानों में मौत के सौदागर भोली भाली जनता को ठगने के लिए बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मौत के सौदागरों की दुकानें कब बंद करवा पाते हैं। आगरा से रिपोर्ट संवाददाता मयूर खान। ये किस संबंध में आपके द्वारा कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की? ये अनाधिकृत अवैध अस्पताल है। यहाँ पे कल परसों एक महिला की मृत्यु हुई थी, जिसकी कल सूचना मिली, उसके समय आज इसको सील किया गया अस्पताल को। और यहाँ पे ऊपर कुछ परिवार रहता है, तो इसलिए मेन गेट को अभी सील नहीं किया गया, पर लेकिन जहाँ कार्य होता था जिन कमरों में, उन 3 कमरों को सील किया गया। सील के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? सील के बाद में इनके उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी इनके आगे कार्रवाई की जाएगी।